हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का हार्दिक स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं कुवैत के लोकल बस की, जो यहाँ पर मेरी तरह नॉन सिटीज़न लोग हैं वो कैसे बस में ट्रैवल करते हैं वो सब आपको आज जानने को मिलेगा। कुवैत की बस कैसी है, यहाँ के रोड कैसे है, बस में कितनी टिकट है, और रोड पर आपको कुवैती लोग के हाउस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में प्लीज़ जुड़े रहना, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे हम। तो फ्रेंड्स, आपको कुवैत के हर बस स्टॉप के आगे ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे, और ये नंबर की जो बसें हैं वही आपको इस रूट पर भी देखने को मिलेगी। तो आपको अगर पता लगाना है कि ये नंबर की बस कहां पर जा रही है, तो उसके लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा और गूगल में सर्च करना पड़ेगा कुवैत बस रूट, और उसके बाद आप यहां से आसानी से आप पता लगा सकते हो कि ये नंबर की बस कहां पर जा रही है। अभी फ्रेंड मेरी बस आ चुकी है, तो मैं अभी बस के अंदर जाऊंगा, टिकट लूंगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बस के अंदर भी कौन सी फैसिलिटी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंडक्टर होते नहीं हैं, और जो ड्राइवर होता है वही अपने को टिकट देता है, और टिकट कॉस्ट भी बहुत सस्ता है। तो हम जैसे जो आम आदमी है वो आसानी से बस की विजिट कर सकते हैं। 350 पिल्स की मेरी टिकट आई हुई है, तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और 350 पिल्स में मैं कुवैत में किधर भी जा सकता हूँ। और फ्रेंड, ये जो बस है वो जापान ने डिज़ाइन की हुई है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की हुई है, आप देख सकते हो। और जो नीचे का जो माला है वहाँ पर 38 सीट है, और ऊपर का जो माला होता है वहाँ पर 42 सीट आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम कुवैत के हाईवे रोड के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े और क्लीन रोड है, और उसके अलावा आपको रोड के साइड पर आपको काफ़ी सारी बिल्डिंगें और कुवैती हाउस भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार रोड है कुवैत के, आप देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कुवैत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और रोड कैसा है। यहाँ पर ही हम आज का ये ब्लॉग खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और थैंक यू सो मच।